तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक्सेन का कलेवर लेकर वाराणसीपुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देवस्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथगण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्मरूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र कालभैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुँचे। कपर्दी देवेश के वहाँ प्रवेश करते ही वह ब्रह्महत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। वे श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देवहर शंकर कालभैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि ईश महादेव कालभैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु स्त्री भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश रूप का निरंतर स्मरण करने से एह लौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपालमोचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ ऐसा कहकर काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर प्रमथेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूली से विश्वक्सेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से स्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपालमोचन तीर्थ के विषय में मैंने बतलाया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है वह कायिक वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कूर्म पुराणे खड्सहस्त्रायाम संहितायाम उपरि विभागे एक त्रिंशोऽध्यायः 32वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में महापातकों के प्रायश्चित का विधान तथा अन्य उपपातकों से शुद्धि का उपाय। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजोत्तम को अग्नि के समान वर्ण वाली प्रतप्त अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उससे शरीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि के समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र या गोबर का रस अथवा गौ का दूध घृत या जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। उस सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण कर तथा प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोरी रूप महापाप से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या करने से वह शुद्ध होता है। मूसल अथवा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों ओर तीक्ष्ण धार वाली शक्ति या लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पाप युक्त ब्राह्मण को राजा के पास केश खोले दौड़ते हुए जाना चाहिए और अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए, मैंने यह कर्म किया, आप मुझे दंड दें। दंड से अथवा यथाशास्त्र प्रायश्चित पूर्वक शरीर परित्याग करने से सुवर्ण चोर चोरी रूप पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको दंडित न करने से तो
तो राजा चोर का पाप स्वयं प्राप्त कर लेता है। तपस्या द्वारा सुवर्ण की चोरी से उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वह चीर फटे पुराने वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करे, अथवा अश्वमेध यज्ञ संबंधी अवभृत स्नान करने से द्विज पवित्र हो जाता है, या शुद्ध होने के लिए ब्राह्मणों को अपने भार के बराबर स्वर्ण दान करना चाहिए, अथवा सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को उस पाप को दूर करने के लिए एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कृच्छ व्रत करना चाहिए। काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्ण वर्ण की तप्त एवं उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए, अथवा स्वयं लिंग एवं अंडकोश को काटकर और अपनी अंजलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शरीर पात न हो जाए। गुरु के लिए मारे जाने से भी गुरुपत्नी गामी शुद्ध हो जाता है, अथवा ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए, या एक वर्ष तक कांटों से युक्त शाखा का आलिंगन करते हुए गुरुपत्नी से गमन करने वाले को नियम पूर्वक नीचे भूमि पर सोना चाहिए। इससे वह गुरुपत्नी गामी पाप मुक्त हो जाता है, अथवा ब्राह्मणों को चीर कंथा वस्त्र धारण कर समाहित होकर एक वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए, या अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अथवा सर्वदा ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत धारण कर अष्टम काल अर्थात चौथे दिन सायंकाल में भोजन करना चाहिए। इसके पूर्व प्रयत्न पूर्वक एक ही स्थान पर एक ही आसन से रहकर केवल जल पीते हुए 3 दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करते हुए 3 वर्षों तक भूमि पर शयन करने से उस गुरुपत्नी गमन रूपी पाप से छुटकारा मिलता है, अथवा 4 या 5 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। अब पतितों पापियों के साथ संसर्ग करने वालों के निस्तार का उपाय प्रायश्चित बतलाता हूँ। जिस पतित के साथ जो द्विज 1 वर्ष तक संसर्ग करता है उसे उस पतित द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए विहित व्रत का 1 वर्ष तक पालन करना चाहिए, अथवा वर्ष भर तक आलस्य रहित होकर तप्त कृच्छक व्रत का पालन करना चाहिए। 6 महीनों तक संसर्ग होने पर उपयुक्त व्रत का आधा प्रायश्चित करें। इन व्रतों के द्वारा महापातकी अपने पाप को दूर करते हैं, अथवा पृथ्वी के पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से भी निष्कृति निस्तार हो जाती है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा स्वेच्छापूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए, अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बतलाया है, इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शरीर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री बहन या पुत्र वधू के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मौसी मामी फुआ तथा भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ तथा अतिकृच्छ नामक व्रतों को करना चाहिए, और इन पापियों की शांति के लिए जगद्योनि अनादि निधन परम देव का ध्यान करते हुए चंद्रायण व्रत करना चाहिए। भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर 4 अथवा 5 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। फुआ की लड़की, मौसी की लड़की अथवा मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी तथा साली के साथ सहवास करने पर 1 अहोरात्र उपवास करके तप्त कृच्छक व्रत करना चाहिए। रजस्वला के साथ गमन करने पर विप्र 3 रात में शुद्ध होता है, और चांडाल के साथ गमन करने पर 3 तप्त कृच्छ व्रतों के साथ संतापन व्रत करने से शुद्धि होती है।
अन्य किसी प्रकार से निष्कृति निस्तार नहीं कही गई है। माता के गोत्र की अथवा समान प्रवर वाले कुल की स्त्री से समागम करने पर इंद्रिय जयी होकर एकाग्रता पूर्वक चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। समागम के अयोग्य ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को एक कृच्छ व्रत करना चाहिए और कन्या को दूषित करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। अमानुषी स्त्री रजस्वला अयोन तथा जल में वीर्यपात करने पर पुरुष को कृच्छ संतापन व्रत करना चाहिए।